दिस वीडियो पावर बाय सार्थक क्यूज ऐप। दोस्तों एक बार इस सार्थक क्यूज ऐप को डाउनलोड करके इसके फीचर्स के बारे में जानिए। इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ साथ आप कुछ पैसे का भी इनकम कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पे जाके पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल पे देख रहे हैं, जहां पे बताया गया है NIOS DELET फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट, आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं जितने भी भेली भाई हैं वे अपने कॉमन सर्विस सेंटर से इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे इनकम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, इस पेमेंट को करते समय आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी डिटेल भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ही पूरा करूंगा। कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप भी अपने DELET NIOS का पेमेंट ऑनलाइन सफलतापूर्वक पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप एक टीचर हों चाहे आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले भेली भाई हैं। भेली भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं करूंगा आप लोगों से गुजारिश कि जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोग gadgetsupdatehindi.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताया गया है, जहाँ पर आपको ऊपर ही ये हाउ टू फिल NIOS DELET फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट स्टेप बाई स्टेप फुल प्रोसेस पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप लोग यहाँ से ले लेंगे। दोस्तों जैसे आप लोग इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बताया गया इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे बताया गया। दोस्तों सबसे पहले आपको NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसे बैक कर लेते हैं। लोग यहाँ पे बताया गया फीस जमा करने से पहले आवश्यक जानकारी लें। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फीस जमा करने से पहले आप ये कन्फर्म करें कि आपका स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल है या नहीं, अपने स्तर पे भी इसकी पूरी तरह से जांच कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आप NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएं, आपके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप लोग NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपको लोगों के सामने आपके सामने ऐसा स्क्रीन शो करेगा जहाँ पर बताया गया है जहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ DELET एग्जामिनेशन फीस फॉर कोर्स 501, 502 एंड 503 के लिए आप लोग यहां पे क्लिक करके उस पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ऐसा पेज खुल के आएगा जहां पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आप लोगों के सामने एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, साथ ही साथ आपके इंटरमीडिएट में कितने परसेंट है वे शो करेगा और साथ ही साथ आपका कैटेगरी भी शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को यस उन्हीं लोगों को करना है जो कि अपने इंटरमीडिएट में अंक सुधार करने के लिए आवेदन किए हैं वे लोग करेंगे, और जिनका 50% से ऊपर का मार्क है वे नो पे ही क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे आप लोग इस पर क्लिक करके मेक पेमेंट पे, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। 501, 502, 503 का टोटल चार्ज आपको बताया जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन बार पे देख सकते हैं, बताया गया है 750 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। जैसे यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये भाग खुल के आएगा जहाँ पे बताया गया है कि आप किसके माध्यम से, आप किस बैंक के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, उस बैंक को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग जैसे सेलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को मेक पेमेंट कर देना है, आप बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी जानकारी पसंद आएगी। इसके रिलेटिव और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।